हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो आगे बढ़ने से पहले ब्लड प्रेशर में हम पढ़ने के वाले हैं, ये सारी चीजें पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर है क्या, राइट। उसके बाद ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टोल एंड डायस्टोल का मीनिंग क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ओके। सो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक का मीनिंग क्या है, सिस्टोल डायस्टोल का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो क्यों कॉज करता है, वो क्यों मतलब जो ब्लड प्रेशर वो हाई क्यों हो जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद जो ब्लड प्रेशर वो किस चीज से मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक है इसको हम दो भाग में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो भाग है इसमें हम डायस्टोलिक प्रेशर तक देखेंगे, जिसमें हम ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे, फिर किस फॉर्म में ब्लड प्रेशर की वैल्यूज एक्सप्रेस की जाती है उसको देखेंगे। उसके बाद ये जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है इसके बारे में देखेंगे, और फिर दूसरे भाग में हम सिस्टोल डायस्टोल फिर उसके मीनिंग देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज है वो क्या होती है, राइट। उसके बाद और बहुत सारी चीजें, जैसे जो ब्लड प्रेशर किस चीज से मेजर किया जाता है, जैसे कि हमने बात की कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, राइट, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इस भाग में हम क्या पढ़ने वाले, डिस्टोलिक प्रेशर तक पढ़ने वाले, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, ब्लड प्रेशर पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज नोन एज ब्लड प्रेशर, ओके। मतलब क्या, एक ऐसा प्रेशर जिसमें ब्लड को पंप किया जा रहा है अराउंड द बॉडी पार्ट्स और अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, ओके, बाय द हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज बाय द हार्ट, राइट, बाय द हार्ट, नॉट बाय द लंग्स और एनीथिंग, बट बाय द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए, एक ऐसा प्रेशर जहां पर जो ब्लड है वो पंप किया जा रहा है अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये जो प्रेशर रहता है ये आर्टरीज में ग्रेटर रहता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन्स, ओके। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, मतलब ये जो प्रेशर है ये आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जाए तो द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज as compared to the veins or then veins, okay, arteries then veins. So ये बात समझ में आई, ब्लड प्रेशर है क्या, एक ऐसा प्रेशर जिसमें ब्लड को पंप किया जा रहा है अराउंड द बॉडी, ओके, अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, और ये जो प्रेशर है ये आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेन्स, ओके, ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर है ये ऑफ अ पर्सन, ओके, पहले पढ़ लेते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। सो ये जो ब्लड प्रेशर है, एक इंसान का जो ब्लड प्रेशर है ये एक्सप्रेस किया जाता है इन टू वैल्यूज, ओके, टू वैल्यूज के फॉर्म में ये ब्लड प्रेशर एक्सप्रेस किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। सो कौन से टू वैल्यूज हैं, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके, ये बात समझ में, ये दो पॉइंट समझ में। ब्लड प्रेशर है क्या, पहली बात तो एक ऐसा प्रेशर जिसमें ब्लड को पंप किया जा रहा है अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, और ये जो प्रेशर है, जो ये ब्लड प्रेशर है इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, मतलब आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेन्स, ओके। उसके बाद ये जो ब्लड प्रेशर है ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के ऊपर आते हैं, फिर अगले भाग में हम देखेंगे कि सिस्टोल एंड डायस्टोल का मीनिंग क्या है, उसके बाद वो सारी चीजें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की वो दूसरे भाग में हम देखेंगे, राइट। अब देखिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर पे आते हैं, ये दो पॉइंट समझ में आ गए, राइट। अब ये दो पॉइंट्स की तरफ आते हैं। देखिए, पहले सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी। अब मेन आर्टरी कौन सी, हमको ये पता, हमने डिस्कस किया, राइट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन फेज, ओके, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब मैक्सिमम प्रेशर जिसमें ब्लड हार्ट को लीव कर रहा, हार्ट को छोड़ रहा है
हार्ट को लीव कर रहा है थ्रू दी मेन आर्टरी. ओके, मेन आर्टरी हमने डिस्कस किया कौन सी, राइट? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन फेज, मतलब हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन फेज के दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर है जिसके थ्रू ये जो ब्लड है ये हार्ट को छोड़ रहा है, ऐसे प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. बात समझ में आई? दैट इज कॉन्ट्रेक्शन फेज चल रहा है हार्ट का. ओके, कॉन्ट्रेक्शन फेज है हार्ट का. ओके, ऐसे फेज में जब ब्लड लीव करता है हार्ट को विद द मैक्सिमम प्रेशर, ओके, इन द कॉन्ट्रेक्शन फेज ऑफ द हार्ट व्हेन द ब्लड लीव्स द हार्ट विद द मैक्सिमम प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. ओके, ये बात समझ में?